सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएं। नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से प्रेरणा लेकर तकोडा के TEA NHR बच्चों ने अपने गुल्लक के पैसे से गरीबों के लिए मास्क बनाने का बीड़ा उठा लिया है। अभी तक लगभग 100 मास्क बनाकर बांट चुके हैं और उनमें जज्बा है कि 500 मास्क बनाने का लक्ष्य रखे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इन खिलाड़ियों ने अपने रिश्ते के भाई बहनों को भी इसका काम में लगा दिया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ताकोड़े वाले वर्ग के स्वर्ण पदक विजेता अंश श्रीवास्तव और उसकी बहन अंशी श्रीवास्तव ने कम उम्र में चचेरे ममेरे भाई बहनों और दोस्तों के साथ मिलकर घर में ही फेस मास्क बनाना शुरू कर दिया है। वहीं बगराइच के अंश ने 2016 में काठमांडू में न्यू अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ताइक्वांडो बाल वर्ग में स्वर्ण पदक और 2017 में भूटान में कांस्य पदक जीता था। अंश की बहन अंशिका ने भी 2016 में काठमांडू और 2017 में भूटान में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया था। दोनों बच्चों को प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रशस्ति पत्र भी मिल चुका है। वहीं यह बच्चे सिर्फ बड़े नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी छोटे साइज के मास्क बना रहे हैं और इनका मानना है कि छोटे मास्क की ज़्यादा मांग है। बच्चे जो भी मास्क बना रहे हैं उसकी किसी से पैसा नहीं लिया जा रहा है। वहीं दूध वाले, फल वाले और सब्जी वालों को भी प्रोत्साहन निःशुल्क मास्क दे रहे हैं। इन बच्चों के मुखिया अंश के पापा आलोक श्रीवास्तव खुद शूटिंग के खिलाड़ी रहे हैं और उन्होंने बच्चों की ख्वाहिश में पूरा सहयोग किया और मास्क बनाने में लगने वाले पूरे मटेरियल को बाजार से लेने की व्यवस्था आलोक के श्रीवास्तव ने किया है। बेटा क्या नाम है और आपको मास्क बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरा नाम अंशी श्रीवास्तव है। हमें प्रेरणा अपने मम्मी पापा से मिली और हमने मोदी जी का भाषण सुन के फिर हम लोग इंस्पायर हुए और हम लोग ने सोचा कि गरीब को हम लोग मास्क दें और फ्री में बांटें हम लोग मास्क, और इसीलिए हम लोग फ्री में बांट रहे हैं। और हम लोग ने संडे को 100 से अधिक मास्क बांट चुके हैं और हम लोग 400 बनाएंगे और ज़रूरत पड़ने पे हम लोग 1,000-2,000 और भी बनाएंगे और फिर हम लोग सबको बांटेंगे। अपने हाथों से बनाती हैं? हाँ, हम लोग अपने हाथ से, कजिन सिस्टर सब लोग मिलके हम लोग बना रहे हैं मास्क। इससे पहले क्या करती थी आप? हम इससे पहले इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्लेयर थे। हमने 3 बार इंटरनेशनल खेला है, 1 भूटान में गोल्ड मेडल और काठमांडू में गोल्ड मेडल और 6 नेशनल खेला है जिसमें हमने मेडल प्राप्त किए हैं। किस क्लास की छात्रा हैं? मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। पहले मेरा नाम अंश श्रीवास्तव, अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी। मुझे माता पिता से प्रेरणा मिली और पूरे परिवार के सहयोग के साथ मैंने श्री मोदी जी का भाषण सुना जिसमें मुझे इंस्पायर कर दिया कि देश के लिए कुछ करना चाहिए। और मास्क की कमी की वजह से बहुत लोगों को मास्क नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं उन लोग को बना के खूब फ्री में मास्क देना चाहता हूँ उन लोग को। और छोटे बच्चों के मास्क वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं उनको फ्री में मास्क बांटूंगा। सर क्या नाम है और ये बच्चे, आपके बच्चे मास्क बना रहे हैं, ये प्रेरणा आपने दिया है, इनको कहाँ से मिली प्रेरणा? मैं आलोक श्रीवास्तव एडवोकेट हूँ और शूटिंग खेल का राष्ट्रीय चैंपियन रहा हूँ। और बच्चों को प्रेरणा माननीय मोदी जी के द्वारा ही मिला है। मोदी जी के भाषण से ये लोग प्रेरित हुए और मास्क बनाना, अपना गुल्लक फोड़ के और अपने कजिन के साथ मास्क बनाना शुरू किया और ये लगभग 100 बांट चुके हैं बच्चे और 400 बनाने का इनका लक्ष्य है। और जिसमें अगर जरूरत पड़ी तो ये 1,000 तक पहुंच सकता है। ये निःशुल्क ये बच्चे बांट रहे हैं और अपने घर की लक्ष्मण रेखा नहीं क्रॉस कर रहे हैं, घर के अंदर से ही बच्चों बांट रहे हैं। और जरूरतमंद दूध वाले, फल वाले, गरीब बच्चे
अन्य लोगों को भी ये लोग दे रहे हैं चैनल के अंदर से। जो लोग मास्क नहीं लगाए होते उनको दे रहे हैं, गरीबों को, गरीबों को दे रहे हैं और सैनिटाइजिंग कर रहे हैं। अगर कोई दूध देने भी आता है तो सैनिटाइजिंग भी ये बच्चे कर रहे हैं। इन लोग का लक्ष्य 500 है, 100 से ऊपर बांट चुके हैं और आगे भी बांटने का इनका पढ़ाई के साथ साथ क्या नाम है बांटने का जो लक्ष्य है वो पूरा कर रहे हैं। और यह था बगराई से राजेश चौहान की रिपोर्ट। और इसी तरह की खबर देखने के लिए इस बी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए। मिलते हैं फिर एक नई खबर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।